नमस्ते राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त पीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 13, 14 और 15। तो आज के पोर्शन में है, आज के वीडियो में है चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 16। तो श्लोक शुरू करने से पहले प्रेयर। ओम तत्सत ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैं श्री गुरुवे नमः। तो आज हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 16 जो है, नशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्वतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनायोस्तत्त्वदर्शिभिः। जब हम लोग इस संस्कृत के श्लोक के डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, दोज हु आर द सीयर्स ऑफ ट्रूथ हैव कंक्लूडेड दैट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट द मटेरियल बॉडी देयर इज नो एंड्यूरेंस एंड ऑफ द इटर्नल द सोल there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. और जब हम लोग इसके हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, जो ज्ञानी सच्चाई को जानते हैं और जो सच्चाई की खोज करते हैं उनका मानना है कि जो है वो होके भी नहीं है और जो नहीं है वो ना होके भी है, और जो है उसकी कोई सीमा नहीं है और जो नहीं है उसके काफ़ी लिमिटेशंस है। अगर उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि जो सच है और जो झूठ है। अभी सच और झूठ क्या है, अगर हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानने चाहें तो फिर इसका एक सिंपल सी एक उदाहरण, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये ले सकते हैं, किस तरह हमारा शरीर और हमारी आत्मा जो है वो सच है क्योंकि वो आँखों से दिखती तो नहीं है लेकिन वो होती है और उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक शरीर जो है लेकिन कल नहीं होगी, ना वो पहले थी आज है लेकिन वो कल नहीं होगा, जिस वजह से हमारा जो शरीर है ये झूठ है लेकिन हमारी जो आत्मा है वो सच है। और अगर हम इस चीज़ को अगर हम लोग और डिटेलिंग से जाने तो इस बात को हम लोग और भी अच्छे से जानते हैं कि एक आत्मा एक ह्यूमन लाइफ में आती है, एक प्लांट लाइफ में आती है, एक एनिमल लाइफ में भी आती है। इन सभी लाइफ्स में एक आत्मा आती है, उसकी कोई एक रूप नहीं होता है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। लेकिन एक शरीर जो एक जन्म लेती है उस वो बचपन के थ्रू से वो जाता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, उसके बाद वो डेथ फेस करता है। लेकिन आत्मा वो जैसी थी वो वैसी है और वो हमेशा वैसी ही रहेगी। अगर इसको और क्लियरली हम लोग समझने जाए तो फिर एक और एग्जांपल हम लोग इसके लिए इसके थ्रू से हम लोग देख सकते हैं कि सन और अर्थ, जो सूरज है वो और ये पृथ्वी, इसको हम लोग एक बेटर एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। सन जो हज़ारों युगों मीन्स कितने सालों से, उसकी कोई काउंटिंग भी नहीं होती होगी कि वो जैसी थी वो वैसी है और वो हमेशा वैसे ही रहेगी। सूरज कभी चेंज नहीं होगा, जिस तरह हमारी आत्मा जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए सूरज सत्य है लेकिन पृथ्वी वो झूठ, क्योंकि वो हमेशा से चेंजेस होती आई है। जिस तरह वो पहले जो जनरेशन था वो चेंज होते 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 अभी तक ये चेंज होती आ रही है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है जो अभी है इस पृथ्वी में वो आज से 10 साल, 50 साल या 100 साल बाद वो वैसी ही रहेगी। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, और क्योंकि अर्थ
सन के चारों तरफ घूमता है, जिस वजह से उसमें क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस उसमें आती रहती है, जिस वजह से पृथ्वी एक जैसी नहीं होती, वो चेंज होती रहेगी, शरीर चेंज होता रहेगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। यह श्लोक में तत्व दर्शी भी ही दृष्टोंतः मीन्स ऐसे कुछ वर्ड्स है, जो खुद को जानने में सक्षम हो जाते हैं, खुद को मीन्स जो आत्मा को जानने में सक्षम हो जाता है, वो दूसरी जो क्रिएचर है जो आपके ऑपोजिट में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, उसकी आत्मा को वो देखने में सक्षम हो जाता है, वो उसके आत्मा को जान सकता है। यही है इस श्लोक में। तो आज के लिए मेरा श्लोक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। ओम तत्सत। राधे राधे। जय गीता जय गीता जय गीता।